हम नगरी गांव में आए हुए हैं और हमारे बीच में एक भाई उपस्थित है, क्या नाम है आपका? चंदन जी हैं। और क्या तकलीफ है अभी आपको? कमर में दर्द है। इनको कमर में भी दर्द है और पीछे से सैटिका की भी बीमारी है, दो समस्या एक साथ है। और दोनों समस्याओं का निराकरण हम एक साथ ही करेंगे। इसके लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई विशेष दवाई लेने की आवश्यकता है। हम आपको चार पांच ऐसे ऐसे योग के आसन बताएंगे जिसे आप सीख करके, समझ करके और इससे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि लेट जाना है, पीठ के ऊपर लेट जाइए। लेटने के बाद क्या करना है कि दाहिना पैर को मोड़ दीजिए यहाँ से, ठीक। बायां पैर को उठाइए और इस पे रखिए, मोड़ करके यहाँ पे रख देना है। देख रहे हैं क्या हो रहा है? दाहिना पैर को हमने मोड़ दिया है और बायां पैर को मोड़ करके इस एड़ी को दाहिना पैर के हमने घुटना के ऊपर, जांघ के ऊपर रख दिया है। अब करना क्या है कि इस पैर को उठाना है, दाहिना पैर को सीधा करिए। इस पैर से देखिए, इस पैर से इसको पकड़ना है जांघ, यानी गर्दन नीचे रखिएगा। दाहिना पैर को सीधे ऊपर की तरफ उठाना है और करना क्या है दिखाइएगा। आप गर्दन नीचे रखिएगा। अब एक गर्दन नीचे रखेंगे, धीरे धीरे पुश करना है। एक दो, ये नस खींच रहे हैं यहाँ पर, सियाटिक नर्व, जब ये पैर पूरा तनेगा हमारा, खींचेगा और धीरे धीरे इसको थोड़ा नीचे रखेंगे। एक दो तीन चार, दस बार एक बार में करना है। और ध्यान रखना है कि कमर भी हमारा नहीं उठे और केवल दाहिना पैर का जांघ हमारा, पैर हमारा सीधा हो रहा है। इस क्रिया को 10 बार करने के बाद इसे मोड़ते हुए नीचे रख देंगे, इस पैर को पसार देंगे, थोड़ा सा विश्राम लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी पसार देंगे। अब इस पैर को उठाएंगे, दाहिना पैर को, और ठीक उसी प्रकार बायां पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर के ऊपर रख दिया जांघ पर। अब दोनों हाथ से इसको पकड़ना है। साइटिका के लिए पक्की दवाई है इस अभ्यास को। हाँ देखिए, तकलीफ बहुत अच्छा है। यदि जांघ मोटा है, पेट ज्यादा निकला हुआ है, फैटी है, तो जांघ पकड़ा नहीं रहा है। तो अब इसको पकड़ने के लिए इसमें हम कभी कभी दुपट्टे का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गमछा हमारा है, उन लोगों के लिए जो मोटे भी है, कमर दर्द है, साइटिका हो गया है, तो ये गमछा को पकड़ के और इसको खींचना है दोनों को, और इस पैर को उठाना है, जांघ को खींचेंगे, इसको सीधा तारना है इसको। एक दो, धीरे धीरे आराम आराम से। तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस, थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर, इसको तानी कस के। ये अब ये जब तानिएगा तो ये वाला खिंचा रहा है, उल्टा खिंचाता है। जो पैर को सीधा करेंगे, दूसरे पैर वाला का सैटिक नर्व खिंचाएगा। अब इसको वापस करते हैं, नीचे गिरा दीजिए, इस पैर को भी नीचे कर दीजिए, थोड़ा पसार दीजिए पैर को, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। इसके बाद क्या करना है, दोनों पैरों को मोड़ेंगे और एक साथ यहाँ पकड़ेंगे, क्योंकि शरीर थोड़ा मोटा है तो यहाँ हाथ लगाएंगे, ठीक। गर्दन वहीं रखिएगा, इस पैर को खींचना है केवल अपनी तरफ, पेट की तरफ। एक दो, यहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ, L1 से L5, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से L1 से L5 शुरू होता है मेरुदंड का, और मैं उसको घुटने को पुश कर रहा हूँ धीरे धीरे। एक दबा पड़ रहा है नीचे, दो तीन चार
पांच, धीरे धीरे आराम आराम से, छ सात आठ नौ और ये दस। पैर को छोड़ दीजिए और इसको पसार दीजिए, थोड़ा सा विश्राम लेंगे, दो चार बार सांस को भरेंगे छोड़ेंगे, हल्का सा जब रिलैक्स हो जाएंगे तो अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ेंगे। अब क्या करना है कि एक पैर को सीधा करेंगे, दाहिना को, बायां पैर को जमीन पर सटा के रखेंगे, यहाँ इसको पकड़ना होता है, यहाँ पर देखिए तो पकड़ के बिना दुपट्टे के, और हाथ ऊपर ले जाइए, गर्दन नहीं उठाना है। देखिए दिक्कत क्या हो रही है कि ये सियाटिक नर्व जो यहाँ से शुरू होकर के एड़ी तक जाता है, ये तन जाता है और इससे पैर की नसें तनने से पैर भी छोटा होने लगता है, स्टिफनेस बढ़ जाता है, क्योंकि इनको पेट भी निकला हुआ है, मोटापे के भी शिकार हैं, तो ये अभ्यास करने में दिक्कत आ रही है। तो करेंगे क्या, छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पर सहयोग लेंगे दुपट्टे का, यहाँ पर पैर को फंसा देंगे, यहाँ पर पकड़ेंगे और घोड़े के लगाम को जैसे पकड़ के खींचा जाता है, अब इसको खींचना है। और इस पैर को मैं दूसरे पैर के जांघ पे हाथ रखा हूँ ताकि उठे नहीं, आप दोनों पकड़िए दुपट्टे को और धीरे धीरे इसको देखिए, ये यदि यहाँ से यहाँ धागा पकड़ा जाए तो बीच में करीब 6-7 इंच की दूरी बन रही है, बनते बा? ये स्लिम होना चाहिए, पीछे से जब सूता नापेंगे जैसे दीवार नापते हैं साहुल में, तो ये साहुल में आना चाहिए। अब ये टेढ़ा हो रहा है, अब धीरे धीरे ताने हल्का हल्का, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, एक ये तन रहा पूरा, तीन चार देखिए मैं प्रेशर भी दे रहा हूँ, ये भी खींच रहे हैं लेकिन इनका पैर सीधा नहीं हो रहा है, क्योंकि सियाटिक नर्व जो पीछे से है वो तना हुआ है और सियाटिका दर्द का दुनिया में कोई दवा नहीं है, आपको यही अभ्यास करना पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा। अब इसको छोड़ देते हैं, नीचे पसार देंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, यहाँ यहाँ पर दुपट्टा लगा आराम से, कोई हवाने की जरूरत नहीं है। गांव गांव में सियाटिका की बीमारी, कमर दर्द और घुटना दर्द, तीन बड़ी बीमारियां आपको घर घर में मिलेगा, दवा खाकर के लोग परेशान हैं और इसको सीधा करना है हमें, रोज करेंगे सीधा हो जाएगा। दो, 3, 4, 5, 6, 7 आपको यहाँ पर प्रेशर देना है, ठीक है, इस घुटने को टाइट करना है सीधा, हाँ, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ दीजिए। अब सीधे पेट के बल आ जाइए, एक आसन और बचा है, ध्यान से देखिएगा और करवट हो जाते हैं और सीधे पेट के बल आ जाते हैं, यहाँ पर दोनों एड़ियों को सटा देते हैं और आगे ला करके भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं, हटा दीजिए इसको और दोनों हाथ यहाँ मोड़ देते हैं, एक दूसरे पर रख दीजिए ऐसे आगे से, ऐसे ऐसे माथा रख देंगे, थोड़ा दो चार बार सांस भरेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे। अब इसके बाद करना क्या होता है कि तीन चीजों पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एड़ी सटा हुआ है, अंगूठा सटा हुआ है आपस में, अब जब आगे से हम हाथ को उठाएंगे तो नाभि नहीं उठना चाहिए, नाभि जमीन पे रहेगा और पीठ का ऊपरी हिस्सा पीछे की तरफ मोड़ना है, सांस भरते उठाइए हाथ को पूरा, मैं यहाँ दबाव देख L5 यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के L1 से L5 होता है ये एरिया, यहाँ से मेरुदंड शुरू होता है और यहाँ तक आता है निचले हिस्से तक, एल ज्यादातर कमर दर्द जो होता है उसमें 99% जो दर्द होता है इसी भाग में होता है और इसी भाग को हमें रिलीज करना होता है। अब सांस भरते उठाइए पूरा ऊपर, उठाएंगे धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे वापस, जोर नहीं लगाना है, जितना आप आराम से उठ रहे हैं उतना ही उठाएंगे, एक फिर नीचे जाएंगे, 2, 10 बार कराएंगे, सांस भरते ऊपर,
सांसों को छोड़ते हुए नीचे तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। इसके बाद थोड़ा विश्राम करते हैं और हाथ को पीछे लाते हैं, क्योंकि हाथ थोड़ा तन जाता है, तन जा रहा है ना, ये तन जाता है पीछे करके विश्राम करने की अवस्था है। इसके बाद इसका एक एक स्टेप बचा हुआ है, तब तक मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा थोड़ा बच्चों को दिखाइए। ये नगरी गांव है और बहुत बड़ा गांव है, और यहां पर हम जब आते हैं योग यात्रा को लेकर के तो गलियों में छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, इनको भी बताना है और सबको छोटे बड़े और बूढ़े सबको निरोग रखना है, वो होगा योग से होगा। अगला दूसरा स्टेप लेते हैं, दोनों हाथ को आगे लाइए, सीने के पास रखेंगे यहाँ पर, बहुत अच्छा। भुजंग कहते हैं सांप को, हम लोग अभी सावन का महीना बीता है, नाग देवता की बड़ी पूजा की है शंकर जी की, अब उसी नाग देवता का ध्यान करके और इसे उठाना है, ऊपर उठाइए पूरा, ये केहुनी इतना ही रहेगा, पूरा उठाइए आगे से सीने को, बस डाउन जाइए, पीठ देखिए पीछे मुड़ नहीं रहा है, देख रहे हैं आप, पूरा एकदम लाठी की तरह सीधा जा रहा है, नीचे जाइए। आपको ध्यान कहाँ कहाँ देना है, नाभि को जमीन में सटा के रखना है प्रेशर, पीठ को गर्दन पीछे लाइएगा, गर्दन ऐसे, फिर नीचे जाएंगे, तीन चार पांच, ये नाभि जमीन से उठे नहीं इसलिए मैंने इनको हल्का प्रेशर यहाँ पर दे रखा है, बहुत सुंदर अभ्यास, बहुत सुंदर अभ्यास। पूरा सांस भरिए, मन में प्रार्थना के साथ, हे गोविंद राखो शरण में अब तो जीवन हारे, हे प्रभु हम बीमारियों से परेशान हैं, अब छोड़ दीजिए इसको, पीछे हाथ ले आइए, बहुत अच्छा। आप पैर को मोड़िए, अंतिम ये अभ्यास, इसका नाम है धनुरासन। अब देखिए पकड़ में नहीं आ रहा है, रुक जाए। ये स्थिति है, खास करके उन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ जो मोटे हो चुके हैं, मोटे मोटे हो गए हैं, और मोटापा पढ़ने के बाद आपको सैकड़ों बीमारियां शुरू हो सकती हैं, इसलिए मोटापा के साथ कमर दर्द ठीक करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर पकड़ के और पैर को पीछे तानना है, पैर तानिए पीछे, यहाँ और नजदीक लाइए इसको, और नजदीक लाइए, बहुत सुंदर। खींचना नहीं है पैर को, पैर पीछे खींचेंगे तो ये सीना उठेगा, उठाइए, एक बहुत सुंदर, दस बार करें, दो तीन चार पांच छह, साइटिका के लिए और कमर दर्द का दोनों का इलाज एक साथ मैं कर रहा हूं, और ये अभ्यास दस दस बार करना है और तीन बार करना है, सुबह दोपहर और शाम, यानी 10 मिनट सुबह 10 मिनट दोपहर और 10 मिनट शाम। पैर को नीचे कर दीजिए और इसको पसार दीजिए। यह जो आपने वीडियो देखा, मैं गांव गांव में जा करके और हमने संकल्प लिया है कि भोजपुर जिले को निरोगी बनाना है और भोजपुर जिले के लोगों को दवाई से बचाना है, क्योंकि दवा खा करके लोग परेशान है और दवा से बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। तो यह जो वीडियो मैंने बनाया है, इसे आप यूट्यूब चैनल पर ब्रिज मोहन योग चैनल पर आप देख सकते हैं, और उसे आप सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स भी करेंगे, ताकि देश और दुनिया में जहां भी लोग कमर दर्द और साइटिका से परेशान हैं, इस वीडियो को देख करके वो भी लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।